दोस्तों आज हम हनुमान जी की एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है और हनुमान जी का नाम लेते ही विशाच और दानव कैसे थर थर कांपते हैं। अगर आप भूतों पर यकीन नहीं करते हैं तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर भूत असलियत में किस तरह परछाइयों में सरकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में पीपल गांव नाम का एक छोटा सा गांव है। गांव के बाहर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर गांव में रहने वाले लोग हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये गांव बहुत ही दुर्गम स्थान पर है, जहां पर जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। गांव में रहने वाले लोगों को 4 किलोमीटर दूर मौजूद हाईवे तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में कई प्रकार की दुष्ट शक्तियों का वास है, साथ ही यहां पर कई तांत्रिक क्रियाएं भी होती आई है। इसलिए जंगल में कोई भी अकेले नहीं जाता। कई बार तो जंगल के रास्ते से जाते समय लोगों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है या फिर आत्माओं द्वारा पीछा करने की घटनाएं दिखाई देती है। जैसे ही वो हनुमान मंदिर के समक्ष आते हैं तो ये बुरी शक्तियां उनका पीछा छोड़ देती है। इसी कारण गांव के लोगों ने हनुमान जी के चमत्कारों का कई बार अनुभव किया है। हनुमान जी के मंदिर के कारण कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस वीडियो में ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों उसी गांव में रहने वाले माधव के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जब हनुमान जी ने स्वयं उसकी रक्षा की थी। माधव गांव में अपने बाप बाप के साथ रहता था। वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोज पूजा करता था। हनुमान जी की कृपा के कारण सब कुछ कुशल मंगल था। माधव मेहनती व्यक्ति था, इसीलिए वो रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन माधव के पिताजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से ही अकेले पैदल चले गए और शाम को लौटते वक्त उसी गांव की ओर वापस आने लगे। तभी उन्हें रास्ते में एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे माधव के पिताजी का पसीना छूटने लगा। वे दौड़ते हुए गांव में वापस आ गए, लेकिन गांव में पहुंचने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। अपने पिता की तबीयत खराब देखकर माधव चिंता में पड़ गया। गांव वालों ने माधव को वैद्य को बुलाने को कहा, लेकिन रात बहुत हो गई थी और जंगल के रास्ते से रात को जाना बहुत ही खतरनाक था। रात के समय बुरी शक्तियों का प्रभाव जंगल में अधिक रहता है, इसलिए उसकी पत्नी माधव को जाने नहीं दे रही थी। लेकिन माधव को हनुमान जी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वैद्य को लाने के लिए रात को ही जाएगा। माधव अपनी साइकिल लेकर रात के समय ही निकल पड़ा। अमावस्या की रात होने के कारण घना अंधेरा था। माधव तेजी से अपनी साइकिल चला रहा था, लेकिन जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद माधव की साइकिल की गति अचानक से धीमी हो गई। माधव को लगा कि उसकी अचानक से साइकिल पर आकर कोई बैठ गया है। डर के मारे माधव कांपने लगा और साइकिल को तेज चलाने के लिए जोर लगाने लगा। माधव जितना ही जोर लगाता साइकिल उतनी ही भारी होने लगती। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई और साइकिल रुक गई। माधव ने साइकिल से उतरकर देखा कि साइकिल का टायर फट गया है, तो माधव खींचते हुए साइकिल को ले गया। तभी अचानक से उसे किसी ने आवाज लगाई, रुक जा माधव, मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा। तेरा बाप मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। माधव ने कहा, कौन हो तुम, सामने आ जाओ और मेरे पिताजी से तुम्हारा क्या काम है। तभी अचानक से एक डराने वाला व्यक्ति सामने आया। डर के मारे माधव के पसीने छूट गए। माधव ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी रक्षा के लिए हनुमान जी हैं, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। यह देखकर प्रेत आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। माधव ने अपनी दोनों आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। आसमान से जोरदार बिजली कड़की और जंगल का
वातावरण शांत हो गया। माधव ने अपनी आंखें खोली तो वो वेद आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। फिर माधव दूसरे गांव में वेद को जाकर लेकर लौट आया और हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर अपने पिता के मस्तक पे लगाया। उसके पिताजी भी पूरी तरह से ठीक हुए और गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी को नमस्कार किया। आज भी गांव वाले हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो दोस्तों, ये घटना आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।